विश्व की बड़ी सौर परियोजनाओं में शामिल रीवा की अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। 750 मेगावाट की इस परियोजना से 76% बिजली मध्य प्रदेश और 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को मिलेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाले इस कार्यक्रम में प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में स्थापित 750 मेगावाट क्षमता वाली एशिया की सबसे बड़ी रीवा सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। रीवा सोलर पावर प्लांट राष्ट्र को समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाघ से रही है। यह एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है। इसके लिए मैं रीवा सहित मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रीवा का ये सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाघ से रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। इसका आसमान से लिया गया वीडियो जब हम देखते हैं तो लगता है कि खेतों में हजारों सोलर पैनल जैसे फसल बनके लहलहा रही है, या ऐसा भी लगता है कि किसी गहरे समुंदर के ऊपर से गुजर रहे हैं जिसका पानी बहुत नीला है। और इसके लिए मैं रीवा के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। रीवा का ये सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को, यहां के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, दिल्ली में जैसा अभी शिवराज जी बता रहे थे, मेट्रो रेल तक को रीवा से लाभ मिलेगा। अब रीवा वाला शान से कह पाएगा कि दिल्ली की मेट्रो हमारा रीवा चलाता है। इसके अलावा रीवा की ही तरह शाजापुर, नीमच और छत्तरपुर में भी बड़े सोलर पावर प्लांट पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों और उद्योगों को बिजली मिलने के साथ दिल्ली में मेट्रो रेल तक को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि रीवा की ही तरह शाजापुर, नीमच और छतरपुर में भी बड़े सोलर पावर प्लांट पर काम चल रहा है। ये तमाम प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बन जाएगा और इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश के गरीब मध्य वर्ग के परिवारों को होगा, किसानों को होगा, आदिवासियों को होगा। 22 दिसंबर 2017 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परियोजना का शिलान्यास किया था। रिकॉर्ड 2.5 साल में यह योजना पूरी हो गई है और जनवरी से बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कर्ज बिना शासन की गारंटी क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के अंतर्गत सस्ती दरों पर दिया है। यह परियोजना इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रति यूनिट की 2.97 रुपए के हिसाब से मिलेगी, जो न्यूनतम है। परियोजना के प्रतिवर्ष 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकता है, जो 2.60 करोड़ पेड़ों को लगाने के बराबर है। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल भी मौजूद थे। और यहाँ से 400 करोड़ पैदा हो
हमारे एशिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा है और इस तरह के विकास के सपने बहुत सारे नेता लोग देखते हैं। जनता का विकास का सपना होता है लेकिन सपने को साकार करने का लोगों को अवसर मिलता है, जो अवसर मिला है जिसके कारण ये प्रोजेक्ट आई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।